Hey guys, कैसे हो आप सभी? Hopefully, आप सभी काफी ज्यादा अच्छे होंगे एंड बढ़िया होंगे। एंड गूगल कैमरा एंड स्टॉक कैमरा, इन दोनों के आउटपुट्स में डिफरेंस कितना आपको पता ही होगा। अगर आपने अभी तक यहाँ पर गूगल कैमरा के कुछ एडिशनल पोर्ट्स अगर आपके डिवाइस पर ट्राई नहीं किए जिनमें आपको कुछ काफी अच्छे से आउटपुट्स देखने को मिल जाए, देख लो इस वीडियो को एक बार स्टार्ट से एंड तक। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इस गूगल कैमरा को इंस्टॉल करना है एंड साथ साथ किस तरीके से यूज करना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखो Realme GT Master Edition का जो कैमरा मॉडल है ना वो काफी सही है, बस आपको एक अच्छा सा गूगल कैमरा फाइंड आउट करना है ना, उसको अच्छे तरीके से यूज करना है। अब मैं जो आपको यहाँ पर Gcam यानी कि गूगल कैमरा सजेस्ट कर रहा हूँ ये है 8.4 का एक बिल्ड, आप इसको कह सकते हो या फिर मॉड वर्जन आप इसको कह सकते हो, जिसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है। उसमें आपको कुछ एडिशनल सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, कुछ एडिशनल आपको यहाँ पर जो अच्छे खासी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और इस गूगल कैमरा की सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी वो है पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड में आपको काफी बेहतरीन फोटोज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ब्लर जो है ना वो काफी गजब का देखने को मिल जाता है, बस जब आप यहाँ पर पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर करो तो ट्राई करो कि थोड़ा सा जूम करना है आपको एंड उसके बाद में ही फोटो को कैप्चर करना है, आपको डेफिनेटली यार काफी अच्छा जो बैकग्राउंड ब्लर है वो देखने को मिल जाएगा। अब देखो इंस्टॉलेशन तो नॉर्मल सा है, बट अगर आपको एप्लीकेशन नॉट इंस्टॉल का एरर देखने को मिल जाता तो प्रीवियस वाला जो गूगल कैमरा ना उसको पहले अनइंस्टॉल करो, उसके बाद में उसको आपको इंस्टॉल करना है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपको कोई भी XML फाइल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं, जैसा हमें बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है वैसे जो इसके आउटपुट्स है वो मुझे बेहतरीन लगे, तो कोई भी XML फाइल यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है। बाकी यार आउटपुट्स काफी गजब के, ऑलमोस्ट सभी फीचर यहाँ पर वर्किंग है, हो सकता है बस यहाँ पर स्लो मोशन आपके डिवाइस में वर्क ना कर जाए, बट बाकी चीजें अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क कर लेती है। कौन सी डिवाइस है उस डिवाइस में आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने इसको ट्राई किया है पोको F1 एंड Realme GT Master Edition डिवाइस में। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना, डाउनलोड लिंक है कमेंट सेक्शन में, वहां पर मैंने कमेंट को पिन किया है। और मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।